नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं विद्या चैनल चैनल नंबर नौ और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं संस्कृत के नवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और आज का हमारा जो शीर्षक है वो है आपका भाग पाठ आठ लोहतुला और बच्चों इस पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप एम इस पारोमिता रहा आप रिसर्च असिस्टेंट हैं भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय शिक्षा बोर्ड नोएडा उत्तर प्रदेश से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रेणु जी और इससे पहले कि हम ये सत्र आगे बढ़ाएं फटाफट मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं इन केस बच्चों आपके मन में कोई भी सवाल आए प्रश्न आ रहा है इस चैप्टर से जुड़ा कुछ भी बात जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं फोन के माध्यम से आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ई मेल भेज सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन इन दो माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे लाइव इंटरेक्टिव फोन इन सेशन में मैम जब तक हमारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं हम आपके पास आते हैं जैसे हमने सभी को बताया कि ये आठवां पाठ है लोह तुला तो क्या है इस चैप्टर के अंदर ये हमारे सभी बच्चों को बताइए मैम ये जो ये जो पाठ है अष्टम पाठ लोह तुला ये विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र है पंचतंत्र के एक तंत्र है उसका नाम है मित्र भेद उसी से ये लिया गया है जिसका नाम है लोह तुला तो लौह तुला में जो है हमारा पाठ है क्योंकि वो मैं शुरू करने जा रही हूँ तो वो पाठ शुरू करते हैं फिर आगे बताएंगे कि इसमें हम क्या सीख रहे हैं क्या सीख पाएंगे तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे तो फिर देखते हैं पाठ आसित कश्मीन अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र आसित था कश्मी चेत अधिष्ठानी किसी स्थान पर जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र जीर्ण धन नाम का एक व्यापारी पुत्र सच विभव क्षयात देशांतरंग गंतुम इच्छन व्यचिन्तयत सहज वह विभव क्षयात विभव यानी वैभव यानी धन धन के नष्ट हो जाने के कारण देशांतरंग दूसरे देश में गंतुम जाने की इच्छा करते हुए व्यचिंत सोचा यत्र देशे अथवा स्थानी भोगा भुक्ता स्वीरियत तस्वो हीनो यो वसेत यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश में अथवा स्थान में भोगा भोगाभुक्ता स्वीरियत स्विर्यतः यानी अपनी पराक्रम से भोगा भोगाभुक्ता भोग को उपभोग किया है तस्मिन उसी स्थान पर विभवहीन यो जो वैभवहीन यानी धनहीन होकर वसित वास या निवास करते हैं सपुरुषाधम वो व्यक्तियों में अधम है अर्थात जिस देश में या जिस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने पराक्रम से संपत्तियों का धन का भोग किया है उसी जगह पर दरिद्र होकर रहना कोई अच्छी बात नहीं है जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो व्यक्ति अधम है यानी नीच है तस्य गृह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसी तस्य यानी उसके घर में जो जीर्णधन नाम के वनिपुत्र था उसके घर में लौह घटिता था लौह से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता जीर्णधन के जो पूर्वज है उनके द्वारा उपार्जित या उनके द्वारा अर्जित एक तुला आसित यानी तराजू थी तांग चित्रेष्ठी न गृह कृत्वा देशांतरंग प्रस्थित उस लौह तुल उस लौह तुला या उस लौह से निर्मित तराजू को कस्यचित किसी श्रेष्ठिनो यानी सेठ के गृह घर पे निक्षेप भूतांग निक्षेप का अर्थ है धरोहर उस लौह तुला को एक धरोहर के रूप में कृत्वा रख कर देशांतरंग प्रस्थित दूसरे देश में चले गए ततः सूचि काल भ्रांत्वा पुनः भ्रां आगत तंग श्रेष्ठीनम अवदत् ततः उसके बाद ततः फिर सूची कालं दीर्घ दिन या बहुत समय तक देशातरंग दूसरे देश में यथेया अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा के अनुसार भ्रांतवा भ्रमण करके पुनः फिर स्वपुरम अपने नगर में आगत्य आकर तंग श्रेष्ठीनम् अवदत वह श्रेष्ठी को जिसके पास वो लौह तुला रखे गए थे उससे धन ने बोला भो श्रेष्ठीन दियतांग में सा निक्षेप तुला भो श्रेष्ठीन हे श्रेष्ठी या हे सेठ जी दियतांग में निक्षेप तुला में मैंने जो आपके पास धरोहर के रूप में वो लोह तुला या लोह से निर्मित तराजू रखा था वो दीजिए सो अवदत् भो नास्ति सा यहाँ पे जो सह है सो अवदत्त ये है जो सेठ जी जिसके पास वो रखे गए थे वो तराजू उन्होंने बोला कि अरे नास्ति सा वो नहीं है त्वदिया तुला मुशकई ही थी तुम्हारे जो तराजू है उसको चूहे ने खा लिया आगे देखते हैं। दोषस्ते। धन ने बोला हे श्रेष्ठीन सेठ जी नास्ती दोषस्ते इसमें आपका दोष नहीं है यदि मूश ही भक्षिता यदि चूहे ने खा लिया तो धन ये कहते हैं कि हे सेठ जी इसमें आपकी दोष नहीं है अगर मूषक यानी चूहे ने उसको खा लिया इद्रिशह ऐसा ही एव ही अय संसार है ये संसार अर्थात ये संसार ऐसा ही है न किंचित अत्र शाश्वतम अस्थित न किंचित कुछ भी नहीं अत्र यहाँ यानी इस संसार में शाश्वतम चिरंतन या स्थायी अस्ति है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है परम अहंग नद्यांग स्नानार्थं गमिष्यामि। किंतु अहम मैं नद्यांग नदी में स्नानार्थम स्नान करने के लिए तत त्वम आत्मियं एनं तत्व आत्मीयंगन शीशुंग तत तो तवम आत्मीयंग शिशुंग तुम्हारा ये जो शिशु है धनदेव नामानं धनदेव नाम का तुम्हारा ये जो धनदेव नाम के शिशु है मया सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तंग प्रेशय स्नान के उपकरण हाथ में लेकर प्रेशय मेरे साथ उनको प्रेरित कीजिए या मेरे साथ उसको भेजिए इति इस प्रकार स्रेष्ठी स्वपुत्र अवदत वो सेठ अपने पुत्र को बुलाकर बोलते हैं वत्स पित्र तव हे ये तुम्हारे चाचा है स्नाथ या नहाने के लिए जाएंगे तत् तो अन गच्छ इनके साथ जाओ इति इस प्रकार अथास श्रेष्ठीपुत्र धनदेव स्नानपकरण आदाय प्रहिष्ट मना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित अथा सौ श्रेष्ठिपुत्र वो श्रेष्ठ श्रेष्ठिपुत्र जो सेठ जी का जो बेटा था जिसका नाम था धनदेव वो क्या करते हैं स्नानोपकरण आदाय स्नान करने के लिए जो जो उपकरण चाहिए होता है उसको लेकर प्रहिष्ट मना बहुत खुश होकर अभ्यागते न उस अतिथि के साथ प्रस्थित चला गया तथानुष्ठित इस प्रकार होने के बाद इस प्रकार होने पर सवणिक स्नातवा वह व्यापारी स्नातवा नहाकर या स्नान करके तंग शिशु उस, उस शिशु को गिरिगुहाय प्रक्षिप्य एक पर्वत की गुहा पर्वत की जो गुफा होते हैं वहां पर प्रक्षिप्य रखकर तृहत शिलाया उसके जो द्वार है उसको एक बड़े सत्वरंग गृह आगत जल्द ही घर आ गए सह सृष्टि पृष्ठवान वो सेठ पूछते हैं भो अभ्यागत हे अतिथि कथ्यतां कुत्र में शिशु बताइए मेरे शिशु कहाँ है यह जो त्वया सह नदी जो तुम्हारे साथ नदी में गया था इति इस प्रकार। नदी तटात शेनेन तो जे सह अवदत यानी जो जीण नाम का व्यापारी था वो कहते हैं तव पुत्र तुम्हारे पुत्र को नदी तट से शेनेन न बाज पक्षी द्वारा रीत अपहरण कर लिया गया है सृष्टि अवदत सेठ जी ने बताया मिथ्यावादी किं कश्चित शिएन बालंग हरतुं शकनोति हे मिथ्यावादी क्या कोई बाज कोई संतान को या कोई शिशु पुत्र को कोई बालक को उठा के लेके जा सकता है तत समरपयमे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि। निवे तो अभी मेरे पुत्र को वापस करो मेरे पुत्र को समर्पण करो या मेरे पुत्र को वापस करो अन्यथा नहीं तो राजकूले राज दरबार में निवेदन करूँगा इति इस प्रकार सो कथयत भो सत्यवादीन यथा श्येन बालंग न नयति तथा मूषक लोह घटितांग तुलांग न भक्ष तब वो कहते हैं यानी जीर्णधन कहते हैं हे सत्यवादी जैसे शेन बाज पक्षी किसी बालक को नहीं लेके जा सकता वैसे कोई चूहा भी लौह से निर्मित तुला को नहीं खा सकता तदर्पय में तुलाम तो मेरे जो तराजू है वो मुझे वापस करो यदि दारकेन प्रयोजनम यदि शिशु पुत्र का तुम्हारे पुत्र का प्रयोजन है इति इस प्रकार एवं विवध मान तव द्वावपी राजकूलंगत इस प्रकार से विवाद करते हुए वे दोनों राज दरबार में पहुँचे तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेन अवदत भो तो हम वंचितोह हम अन चौरे न मम शीशु अपहृत वहाँ पर जो सेठ जी है वो तारस्वरेन यानी जो बहुत जोर आवाज़ से वो कहने लगे हे मैं अरे तो हम वंचितो हम मैं ठगा गया मैं ठगा गया अब्रह्मण्यम घोर अन्याय अने चोरी न इस चोर के द्वारा मेरे संतान अपहरण कर लिया गया है अथ धर्माधिकारी तम अवदन भो समर्प्य श्रेष्ठी सूत अब जो धर्माधिकारी है राजदरबार में वो कहते हैं तम अवदन उसको यानी जो जीन धन है उसे कहते हैं भो अरे समर्प्यतांग श्रेष्ठी सूत श्रेष्ठी सूत उसको है समर्पित श्रेष्ठी सूत जी के जो पुत्र है उसको वापस कर दो करो मैं वो कहते हैं क्या करूं पश्यतो में नदी तटात शेने न शिशु अपरितः देखते ही देखते नदी तट से बाज के द्वारा शिशु को अपहरण कर लिया गया इति इस प्रकार श्रुतवा ते अवदन भो भवत्या सत्यंग शेन शिशुं हर्तुं समर्थो भवति ये सुनकर वो जो धर्माधिकारी थे उन्होंने कहा कि क्या कोई आ, पक्षी के द्वारा कभी कोई शिशु का अपहरण होता है सो वदत भो भो अरे अरे मत मदच वच्य, मेरा वचन सुनो तुलांग लौह सहस्र खादन्ति तीषका राजतंत्र हरितेन बालक नात्र संशय जहाँ सहस्र लोहे से निर्मित एक तराजू को चूहे खा सकता है वहाँ बालक को कोई बाजपक्षी हरण कर ही सकता है इसमें कोई संशय नहीं है ते अप्रिछ कथम किस प्रकार ततः स सृष्टि सभ्यानम अग्रे आदि सर्वं वृत्तातंग न्यवेदयत उसके बाद सृष्टि जो है सभा के सामने सभी वृत्तांत बोलते हैं पे वृत्ता है वो हुए तो द्वावपी संबोध्य तुला शिशु प्रदान तो दोनों को समझा बुझाकर एक दूसरे से आदान प्रदान शिशु और तराजू का आदान प्रदान करके दोनों को संतुष्ट करके वो भेज देते हैं जी मैम तो ये तो रहा पाठ कुछ और भी बात है हाँ, या अभ्यास है जो आप हमारे बच्चों के साथ हाँ बांटना चाहें मैम हम आपको ये भी बता दें कि तकरीबन पाँच मिनट के समय शेष है हाँ, हाँ, हमारे सत्र के लिए तो जो अभ्यास है वो इसमें मैं थोड़ी देर के लिए मतलब स्क्रीन में जो है विद्यार्थी हाँ, देख सकते हैं तो मैं इसको चला के फिर मैं कुछ इस पाठ के बारे में थोड़ी बताना चाहती हूँ कि आगे जाके इनको विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो जी तो जो है आ, मैं इस पाठ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो विष्णु शर्मा विरचित जो पंचतंत्र है ये और इसमें जो कहानी दी गई है वो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है इस पाठ में हम देख सकते हैं कि जो जीनधन नाम की जो व्यक्ति था वो विश्वास करके किसी पर अपनी जो तराजू है वो किसी पे विश्वास करके वो धरोहर के रूप में के गए पर सृष्टि ने उस उनके जो है विश्वास को तोड़ा और उन्होंने झूठ कहा पर यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो जीर्ण धन है वो उनके साथ झगड़ा मतलब कभी भी अपने जो है उन्होंने अपना जो टेम्परमेंट है वो नहीं खोया उन्होंने बहुत शांति के साथ बहुत बुद्धिमत्ता के साथ अपने तराजू को वापस ले लिए और जो है उनके पुत्र जो है उनको वापस कर दिए तो इससे हमें ये लगता है कि एक तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के चीज़ों पर हमें लोभ नहीं करना चाहिए और देखिए जीर्ण धन जो है उनको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो मतलब हम देखते हैं कि जैसे को तैसा मतलब टीट फॉर टैट कि वो अगर उनके साथ ऐसा किया तो उन्होंने पहले बाद भी बाद में नहीं आए वो उनकी बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने तराजू भी वापस कर लिए और उनके शिशु पुत्र को भी उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाया उनको उन्होंने छुपा कर रखा और अब हम ये लगता है कि वो जो श्रेष्ठी है उनको जरूर अपने मतलब उनको सबक जरूर वो सीख गए हैं कि कभी भी वो आगे जो है ऐसा नहीं करेंगे और हमारे विद्यार्थियों को भी ये सीखना चाहिए कभी भी दूसरे के चीजों में जो है लोग नहीं करना चाहिए और अपने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेनी चाहिए तो आज इस पाठ से हम यही मैम हमारे पास अभी भी तकरीबन दो मिनट का समय और बचा हाँ। हुआ है कुछ और ऐसी बात जो आप हाँ। बताना चाहिए तो बात हुई कि बच्चों हाँ। ने इस पार्ट से क्या सीख ली या क्या शिक्षा हाँ। ग्रहण की उसके अलावा कुछ और बता हाँ कहेंगे? तो बताना मैं अगर हमारे पास समय कुछ है तो मैं कुछ जो है अपने इस अभ्यास को ही मैं थोड़ी बताना चाहती हूँ जैसे यहाँ पर है जैसे एक पदे न उत्तर हम लिखता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वनिक पुत्र से किंग नाम आसित वनिक पुत्र का क्या नाम था वो है जीर्णधन तुला कई भक्षिता किसके द्वारा वो तुला जो है वो भक्षिता मतलब भक्षण यानी खा लिया गया था मुशा ही तुला की दृश आसित घटिता इस तरह से हम आगे भी देख सकते हैं कि देखिए जो संस्कृत भाषा में लिखना है इसको देशांतरंग गंतु मिच्छन वनिक पुत्र किंग व्यचिंत व्यनिक पुत्र जो है उसने क्या सोचा था तो इस तरह से देखिए आगे देखिए स्वतुलांग याचमान जीर्णधरंग जीर्णधनंग श्रेष्ठी किम है श्रेष्ठी ने जो श्रेष्ठी है वो जीर्णधन को क्या बोला था तुला मुशकई ही भक्षिता जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारंग कया आच्छाद्य गृह आगत बृहद शिलाया एक बड़े पत्थर से उस गुहा को उन्होंने ढककर आ गए थे इस तरह से हम आगे भी देखते हैं जी वो ये बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहेंगे स्थूल पदान्यधि कृत्य प्रश्न निर्माण कृति यहाँ पे जो स्थूल पद है उसको देख के हमें प्रश्न निर्माण करना है तो जीर्ण धन विभव क्षया देशांतरंग तो देख सकते हैं कह विभव क्षया देशांतरंग गंतुम तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अभ्यागतेन तो के अभ्यागतेन सह प्रस्थित केन सह प्रस्थित अब है बृहशिल कया अच्छा दृहद शिलया अच्छा तो इस तरह से हम आगे भी देखते हैं जी मैम हम आगे नहीं देख पाएंगे लेकिन हमारे बच्चे जरूर ये स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये सभी अभ्यास आप कर सकते हैं घर में और अभी समय बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है सत्र को आगे बढ़ाएं लेकिन पारो में तमाम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने नवी कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ इतने अच्छे से बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों से हम एक बात कहेंगे कि आप सभी को बता दें कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा तीन से सात जनवरी स्कूली बच्चों में कला के प्रसार के लिए पहल की जा रही है कला उत्सव के माध्यम से और ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा जिसमें स्कूली बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे क्या है कला उत्सव आइए देखते हैं इसकी एक झलक गूंज रही है स्कूलों में सात सुरों की सरगम गूंज रही है स्कूलों में सात सुरों की सरगम गुंज बन गए पैरों में नाचो आज क्षमा चमच बन गए पैरों में नाचो आज क्षमा चमचार प्रांतों की संस्कृति को सब तक पहुंचाओ, रंगों की दुनिया बसाओ अपने देश के सभी प्रांतों की संस्कृति को सब तक पहुंचाओ। कैसे तलाओ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से दिनांक तीन से सात जनवरी 2023 तक एन द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है कला उत्सव, कला उत्सव, कला उत्सव। तो बच्चे अपनी भिन्न भिन्न कलाओं का प्रदर्शन करेंगे आप भी सभी कलाओं का लुत्फ आनंद ले सकते हैं हमारे ई विद्या चैनल्स और एनसीआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फॉर इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो कि वेबिनार है अभी फिलहाल मैं रेणु भट्ट ले, ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत नमस्कार